गौर से देखिए, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लगते जिगर है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती है। सिर्फ आप ही वो चश्मदीद गवाह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं पूछता हूं, क्या देखा था आपने? लाश घसीटते हुए, लाश घसीटने वाला झुका हुआ होगा लाश के ऊपर, आखिर आपने क्या देखा था? उसकी पीठ, कमर, गर्दन, सूरत, बोलते क्यों नहीं आप? आपने क्या देखा था? मैं कहता हूं आपने कुछ नहीं देखा, आप झूठ बोलते हैं। अगर आपने किसी को लाश घसीटते हुए देखा था, आपने चिल्लाया क्यों नहीं? शो क्यों नहीं मचाया? कातिल को पकड़ा क्यों नहीं? मिस्टर विजय कुमार, जो कुछ आप कह रहे हो अगर वो सब सच है तो इस आदमी को सजाए मौत का मिलना इंसाफ होगा, लेकिन अगर वो सब गलत है और इस गलती का इकरार आपने अदालत के सामने ना किया तो एक खून होगा और एक खून आपके गर्दन पर होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आप खूनी होंगे, आप खूनी होंगे। इस गिरदा पर हाथ रखकर कसम खाइए कि जिस आदमी को आपने लाश घसीटते हुए देखा था ये वही आदमी है। ये किताब नहीं, भगवान का रूप है, भगवान है। इसे अपने हाथों में लेकर सीने से लगाकर कसम खाइए क्या ये वही आदमी है जिसे मोटर की रोशनी में आपने देखा था। चुप क्यों है आप? बोलते क्यों नहीं? आपने झूठ बोला था, आपने झूठ बोला था, झूठी गवाही दी थी। अगर इस आदमी के साथ ना ऐसी हुई तो कुदरत आपसे बहुत बड़ा इंतकाम लेगी। मिस्टर विजय कुमार, आपकी मां बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, और इस गुनाह की सजा आपकी मां की मौत भी हो सकती है।